ये देख सकते हैं, ये बालसम का प्लांट है। इसको लाइव में भी 8-10 दिन हो गया है और ये समय में बहुत अच्छा फ्लावर देता है। बहुत जितना भी देख रहे हैं नए नए प्लांट, सारे ब्रांच में ये फ्लावर देख रहे। प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है, ये हाइब्रिड वेराइटी का है, छोटा सा प्लांट होता है। चलिए इसको किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, मार्च का मंथ है तो किस तरह से इसको रिपोर्ट करके प्लांट जो है स्ट्रेस में ना जाए, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना, आर्ची गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड से देख सकते हैं बालसम का प्लांट है और ये जो है ये मिट्टी का पॉट है, यानी कि क्ले पॉट है। इस पर देख सकते हैं इस तरह नीचे से एक होल भी बना हुआ है। पहले सबसे पहले इस होल को बंद करना पड़ेगा ताकि इसमें मिट्टी डाल सके। इस तरह से एक छोटा सा ये मिट्टी का ही टुकड़ा से इस होल को बंद कर दिया है। इस तरह से बंद करने के बाद कभी भी नर्सरी से जो भी प्लांट लेकर के आए तो उसको 8-10 दिन अपने गार्डन में छोड़ दें, ताकि हमारे यहाँ का प्लांट जो है हमारे यहाँ का गार्डन का इन्वायरमेंट में ढल जाए। तब इस प्लांट को लगाइए तो प्लांट जो है ख़राब नहीं होता और स्ट्रेस में भी नहीं जाता। चलिए इसके मिट्टी के लिए मैं तैयार करती हूँ। किस तरह से इसका मिट्टी मैंने बनाया हुआ, ये देख सकते हैं। ये पॉट जो है थोड़ा सा प्लेट छोटा है, ये देख सकते हैं। ये गार्डन सॉइल है, ये कोकोपीट है। मेरे पास में सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट के जगह पर सैंड यूज कर सकते हैं। उधर जो है कंपोस्ट है, ये ब्लैक वाला जो देख रहे हैं ये किचन बेस्ट कंपोस्ट है, मैं उसी में लगाऊंगी क्योंकि किचन बेस्ट कंपोस्ट जो होता है थोड़ा ठंडा होता है। सारे को इस तरह से पहले मिला देना होगा, देख सकते इस तरह से सारे को मिला करके इस तरह से मिला दीजिए। और नीचे में जो है मैं थोड़ा सा इसमें कोकोपीट डाल दूँगी। इस तरह से कोकोपीट जो होता है डाल देंगे। कोकोपीट धोला हुआ है इसलिए हल्का सा आपको भी हुआ जैसा लगता हुआ। इस तरह से पहले कोकोपीट डाल देने से होता है कि इसमें पानी नहीं रुकेगा। और बालसम को जो है पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसे अगर पानी रुक जाएगा पॉट में तो प्लांट जो है मर जाएगा। तो सबसे पहले जो है 1 इंच नीचे से इस पर कोकोपीट डाल दीजिए। अगर आपके पास मोटा वाला सैंड होगा तो आप उसको भी नीचे में डाल दीजिएगा, ताकि सैंड अगर नीचे रहेगा तो पानी इसमें एकदम नहीं रुकेगा। पानी डालिएगा और साइड से वो निकल जाएगा। इस तरह से सबसे पहले इसमें या तो सैंड का टुकड़ा अगर आपके पास में है तो उसको डाल दें, या कोकोपीट है तो कोकोपीट को भी डाल सकते हैं। अगर कोकोपीट और सैंड दोनों नहीं है तो छोटा छोटा जो पत्थर का टुकड़ा आता है उसको भी आप डाल करके लगा सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद इसमें मैं ये जो मिट्टी मिला है उसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिट्टी को मिला करके इसको डाल देंगे, नीचे भर देंगे। उसके बाद पॉट को लगाते हैं, पहले इसको भर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देख सकते हैं इतना भरने के बाद अब इस प्लांट को रखना है। प्लांट को जो है इसको निकाल दिए हैं। तो देख सकते इस तरह से काट करके इसको निकालना है, इस तरह से इसको निकालना है, इसको अच्छे से निकालना होगा। निकालने के बाद इस तरह से रखना है। इसका मिट्टी को ज़्यादा नहीं हटाया क्योंकि इसका जो मिट्टी है वो अच्छी वाली मिट्टी में लगे। अगर मिट्टी अगर ख़राब रहेगा या चिकना मिट्टी रहेगा तो साइड से इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हटा भी सकते हैं और अपना नया मिट्टी में इसको लगा भी सकते हैं। ये काम जो है या तो आप सुबह में कर सकते हैं या तो शाम में, दोपहर के समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उस समय ना कीजिएगा। इस तरह से मिट्टी को हटा करके ये देख लेना है कि इसमें अच्छे से सेट कर जा रहा है कि नहीं, ये तो और ऊपर तक मिट्टी निकालना होगा या तो मिट्टी निकालना होगा। तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जगह भी खाली हो जाएगा, इस तरह से लगाना है। तो पहले इस प्लांट को रख करके देख लीजिए। अब इस प्लांट को उठा करके नीचे रख देते हैं। अब इसमें जो है ये देख सकते हैं 1-2 इंच जो है एप्सम सॉल्ट डालना है। इस तरह से डाल दें, डालने के बाद हल्का सा इस तरह से मिला दें, या तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट डालने से होता है कि जो भी प्लांट इसमें लगा रहे हैं वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। जिस तरह से लगा रहे हैं प्लांट एकदम उसी तरह से रह जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से बीच में रख देना है एकदम सेंटर पर रख करके। उसके बाद जो भी हम लोग इसमें मिट्टी बनाएंगे उसको साइड से भर देंगे, इस तरह से भर देंगे। भरने के बाद इस तरह से दबा दबा के भर दीजिएगा, इस तरह से दबा दबा के भर दीजिएगा ताकि साइड से कोई गैप वगैरह ना रहे।
देख सकते हैं इस तरह से भरने के बाद जो ये देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा इसमें बड्स बन रहा है, ये जो देख रहे हैं ये सब बड्स है। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए इसका नीचे से जो लीफ होता है ये रेड कलर का होता है, ऊपर से ग्रीन होता है। इसको रेड लीफ के लिए भी लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद इसमें पानी डाल दें, उसी समय पानी डालना है। ये देख सकते इस तरह से पानी डाल करके देख रेख और चेक कर लें कि पानी जो है कहीं रुक तो नहीं जा रहा है। इस तरह से पानी डाल दें और पानी इतना डालना है कि पॉट से जो है पानी निकलना शुरू हो जाए। ये देख सकते इसमें पानी एकदम नहीं रुक रहा है, देखिए पॉट से भी नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया है। इस तरह से पानी निकलना शुरू हो गया। अब इस प्लांट को जो है उठा करके किसी छांव वाले जगह में रख देना है या किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिएगा ताकि इस पर धूप ना लगे। धूप लगने से थोड़ा सा प्लांट जो है मुरझाया जैसा हो जाता है। ऐसे एप्सम सॉल्ट डाले हुए हैं तो प्लांट जो है ज़्यादा नहीं ख़राब होगा। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं डालेगा तो जो फ्लावर जो बड्स बनता है या फ्लावर जो खिलता है वो भी गिर जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समर में जो है थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल देने से प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता। इस तरह से मार्च के महीने में या समर सीजन में प्लांट को आप लगाइए और छांव में रख दीजिए। प्लांट जो अच्छे से चलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आप किसी भी प्लांट को आप लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।